तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो मिनरल्स है वो हमारे ज़िंदगी में हर जगह यूज़ होते हैं, एक छोटी सी पिन से लेके बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी शिप्स, यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट हम सुबह करते हैं वो, और जो हम खाते पीते हैं वो, इन सब चीज़ में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब शुरू करते हैं मिनरल्स का मतलब समझ के कि ये क्या होते हैं। मिनरल्स आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो मिनरल्स हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं, कोई इन्हें घर पे बनाता नहीं है, और ये होमोजीनियस होते हैं यानी कि इनके अंदर कुछ मिलावट नहीं होती, वो एक ही पार्टिकल से बने रहते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है कि ये जो मिनरल्स हैं वो किस जगह पे मिलेंगे। देखो, नेचर में मिलेंगे, लेकिन नेचर में भी कहाँ मिलेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम इसी को देखने वाले हैं। मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला तो ये है कि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इन रॉक्स के अंदर जो भी दरारें बनी रहती है, यानी जो भी क्रैक्स रहते हैं, उनके बीच में ये मिनरल पाए जाते हैं वेंस और लोड्स की फॉर्म में। वेंस यानी कि अगर मिनरल कम अमाउंट में मिले, और लोड्स यानी कि उसी रॉक में अगर ज़्यादा अमाउंट में मिनरल मिलता है तो उसे आप लोड्स बोलोगे। अब दूसरा है कि आपको मिनरल्स डीकम्पोस्ड रॉक के अंदर मिल सकते हैं, यानी कि जो टूटे हुए पत्थर रहते हैं उसके अंदर मिल सकते हैं। कैसे? ओर की फॉर्म में। तो अब ये ओर्स क्या होता है? तो ओर्स मतलब होता है कि जो मिनरल है उसके अंदर जब इम्प्योरिटीज मिक्स हो तो उसे आप ओर्स बोलोगे, यानी कि कुछ अशुद्धियाँ मिक्स हो। समझो एक पत्थर है, पत्थर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप उसको ओर बोलोगे। अब उसमें क्या हो सकता है? मेटल हो सकता है बहुत सारा, साथ ही साथ थोड़ा कचरा हो सकता है, जैसे मिट्टी पाई जा सकती है उसमें, और भी कई तरह के नॉन मेटल्स भी मिल सकते हैं। अब तीसरा, ये पाए जा सकते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में, यानी कि जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो मिनरल पानी से बहते नहीं हैं वो एलुवियल सॉइल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस सॉइल में से। अब अगला है कि जो मिनरल्स हैं वो हमें सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर भी मिलते हैं। जो सेडिमेंटरी रॉक होता है उसके अंदर जितने भी लेयर्स पाए जाते हैं, उन लेयर्स के अंदर हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। अब बात करें तो लास्ट वाला जो है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो ओशन वाटर है उसके अंदर वास्ट वैरायटी में मिनरल्स हैं, यानी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मैग्नीस हो गई, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे टाइप के मिनरल्स इस ओशन वाटर में पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो देखो, मिनरल्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेटालिक मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, तीसरा होता है एनर्जी मिनरल्स। तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं जो कि आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल है डायमंड, और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है टैल। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मेटालिक मिनरल्स। अब इसमें भी 3 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा फेरस, दूसरा हो जाएगा नॉन फेरस, और तीसरा हो जाएगा प्रीशियस। अब ये बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हो। फेरस क्या होता है? आयन यानी लोखंड। तो ऐसे मिनरल जिसमें लोखंड यानी आयन पाया जाता है उसको फेरस बोलोगे। अब नॉन फेरस जिसमें लोखंड यानी आयन नहीं पाया जाता, और तीसरा प्रीशियस यानी जो अनमोल रहता है, यानी जो बहुत महंगा मिलता है, जैसे सोना चांदी हीरा ये सब बहुत महंगे मिलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रीशियस। तो अब फेरस और नॉन फेरस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फेरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे आयन ओर और मैंगनीज। तो देखो, पहले आयन ओर के बारे में समझते हैं। आयन ओर यानी कि लोहा, इसे बैकबोन ऑफ आयन इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री लोहे वाली जो है वो बिना लोहे के कैसे कुछ सामान बना पाएगी, तो इसलिए इसे बैकबोन ऑफ आयन इंडस्ट्री बोला जाता है। साथ ही साथ ये जो आयन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आयन पाया जाता है। तो ये दो पॉइंट आप याद रख सकते हो। अब ये जो आयन ओर है यानी कि जो लोहा है वो भी 2 तरीके का होता है। पहला तो होता है मैग्नेटाइट, यानी कि
अच्छी क्वालिटी का, इसके अंदर 70% तक आयन मिल जाता है। और दूसरी अगर बात करें तो वो होता है हेमेटाइट, यानी कि थोड़ा लो क्वालिटी का आयन होता है ये इसके अंदर 50-60% तक आयन मिल जाता है। तो कुछ जगह याद रख लो जहाँ पर आयन पाया जाता है इंडिया में, जैसे कि ओडिशा में पाया जाता है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गोवा में और भी बहुत सारी जगहों पर यह आयन पाया जाता है। अब अगर बात करें मैंगनीज की, तो ये जो मैंगनीज है इसका यूज़ किया जाता है जो स्टील है उसे बनाने में। तो ये MCQ टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील किस चीज़ से बनाया जाता है, तो मैंगनीज से ये स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब देखो 10 किलो मैंगनीज से 1 टन यानी 1000 किलो स्टील बनाया जाता है। और ये देखो ये जो मैंगनीज है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओडिशा, ओडिशा मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये जो मैंगनीज के बारे में इंफॉर्मेशन है MCQ में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ये करके जाना। तो अब अगर हम बात करें नॉन फेरस मिनरल्स की, यानी कि ऐसे मिनरल जिसमें लोहा नहीं मिलता, तो उसके एग्जांपल बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसमें से एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो आपको बुक में दिए हैं। तो पहला हमें दिया है कॉपर, तो कॉपर के बारे में हम समझते हैं थोड़ा। कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो भी वायर बनाए जाते हैं वो कॉपर के ही बनाए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिस वजह से सब कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जो भी फ़ैन लगा होगा, एसी लगा होगा, उसके अंदर जो भी वायरिंग हुई रहेगी सब कॉपर से ही हुई होगी। अब अगर बात करें ये कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बलागत माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ खेतरी माइंस जो कि राजस्थान में है, साथ ही साथ झारखंड में भी ये पाया जाता है। तो अब बात करते हैं बॉक्साइट की, तो जो बॉक्साइट है इसका यूज़ होता है एल्यूमिनियम बनाने में। तो जो भी एल्यूमिनियम फॉइल रहती है जिसमें आप अपनी चपाती पैक करके स्कूल में लेके जाते हो, वो किस चीज़ से बनता है, वो बॉक्साइट से बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप ये प्लीज़ से करके जाना। साथ ही साथ अगर आप बॉक्साइट को आयन में मिलाते हो तो आयन की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, तो ये दो पॉइंट आप याद रख सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है नॉन मेटालिक मिनरल्स, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें दो चीज़ आते हैं, एक आता है माइका और एक आता है लाइमस्टोन, तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे माइका को, तो ये जो माइका है इसका यूज़ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि पहले तो ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो करंट है उसको फ्लो होने से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की पावर है वो भी ज़्यादा है, हाई है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। तो अब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो ये जो लाइमस्टोन होता है उसे यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट बनाने के लिए। अब ये जो लाइमस्टोन होता है वो ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक्स हैं या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट के रॉक्स हैं, तो उस जगह पर ही ये लाइमस्टोन भी पाया जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है, ये यूज़ किया जाता है आयन ओर की स्मेल्टिंग में, यानी कि जो ओर अभी हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि एक पत्थर रहता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिक्स रहते हैं, तो वही पत्थर को पिघला के उसमें से आयन ओर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइनिंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। देखो माइनिंग क्या होता है कि जब हम कोई भी मिनरल को निकालने के लिए जब ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं तो उसे माइनिंग बोलते हैं। तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इसकी वजह से, तो माइनिंग की वजह से जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, सॉइल भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, यानी कि सब खराब हो जाता है। साथ ही साथ ये माइनिंग करने की वजह से जो रिवर है वो भी पॉल्यूट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम माइनिंग करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ बनाया है, एक दायरा बनाया है, उसके अंडर ही माइनिंग करना है। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता था जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया। तो ये सब करके जाना, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की,
यानी कि हमें मिनरल्स को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, जो मिनरल्स है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर एक बार यूज़ कर लेंगे हम तो वो ख़त्म हो जाएगा। और तो और ऐसा भी नहीं है कि ये फैक्ट्री में बनता है, ये नेचर में हमें मिलता है, और ये बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसे बनने के लिए। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि इसे हमें बचाना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व मिनरल्स, यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। तो अब इसी के साथ हम चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका यूज़ एनर्जी बनाने में होता है उसे हम एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे। तो अब ये एनर्जी रिसोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेस यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनका यूज़ तो लगभग हम हर दिन ही करते हैं। दूसरी अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी हो गई, बायोगैस एनर्जी हो गई, तो इनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, इसलिए ये आ गया नॉन कन्वेंशनल में। अब थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले कोल के बारे में। कोल यानी होता है कोयला, और ये मोस्ट अबिडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, यानी कि अभी के टाइम पे ये जो कोल है यानी कोयला है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यूज़ फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। तो इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए और एनर्जी सप्लाई के लिए इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ इसका यूज़ डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा करने में होता है। तो अब बात करते हैं पेट्रोलियम की यानी तेल की। तो ये एज अ फ्यूल काम करता है हीट और लाइट को जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ देखो, आपकी जो बाइक्स हैं, आपकी जितने भी गाड़ियां हैं वो तेल से चलती हैं, यानी पेट्रोल से चलती है। अब ये जो पेट्रोलियम है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि बिना फ्यूल के मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेंगी और फ्यूल के बिना मशीन चल भी नहीं पाएंगी, इसलिए इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब तीसरा हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो कुछ सालों में इसने बहुत ही अच्छा नाम कमा लिया है, वो इसलिए क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस है, क्योंकि जब इसका यूज़ होता है तो वो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। तो आजकल आपने अगर नोटिस किया होगा तो CNG की गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उन्होंने रिप्लेस कर दिया है फ्यूल को। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कुछ काम ही नहीं होता, तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनाई जाती है। तो इसे दो तरीकों से बनाया जाता है, पहला तो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रनिंग वाटर की मदद से बनाया जाता है, यानी जो डैम्स हैं, डैम्स में जब पानी फ्लो करता है तो जो टर्बाइंस घूमते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स डाल के जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए तो उसे थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं एनर्जी बनाने में। तो देखो, जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड, बायोमास एनर्जी, इन सब का ही यूज़ हम बहुत कम करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो ये सब आ जाएंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है वो सन की लाइट से प्रोड्यूस होती है। जब सन की रेज सोलर पैनल पे गिरती है तब ये एनर्जी बनती है और इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ तो हम अभी के टाइम पे कम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके शायद ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो। अब दूसरा है विंड एनर्जी। तो जब हवा से एनर्जी बनाई जाती है तो उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। अब इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। वो बनता कैसे है, जब जो बड़े बड़े विंड मिल्स हैं उनकी टर्बाइंस जब घूमती है हवा से, नेचुरल हवा से, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। अब तीसरा है बायोगैस। तो इसे गोबर गैस भी कहा जाता है।
इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोगैस इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी कि जो काउडंग हो गया, यानी कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर और भी बहुत सारे जो डीकम्पोस्ट मैटर है, उन सब का यूज़ करके ये बायोगैस बनाया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है मैन्योर की क्वालिटी को बढ़ाने में, ये मैन्योर की जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर देती है, इसलिए इस बायोगैस का यूज़ किया जाता है। अब अगला है टाइडल एनर्जी, यानी कि जब समुंदर में टाइड आती है उससे जब एनर्जी बनाई जाए तो उसे टाइडल एनर्जी बोला जाता है। तो इसका यूज़ आजकल अभी बहुत कम ही हो गया है। तो अब हमें दिया है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को अल्टर यानी बदला जाता है, चेंज किया जाता है, जिससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर है, इसको बनाने में यूरेनियम और थोरियम जैसे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर पावर को बनाने में किस मेटल्स का यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम और थोरियम, इसको याद कर लेना। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर 3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जियोथर्मल एनर्जी, इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि जब अर्थ की हीट का यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है तो इसे बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। तो ये था हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। रुको रुको, अभी जाना मत, क्योंकि आप में से बहुत ही कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इतना क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और ये भी बता दो कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए आपको।